वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अजमेर की व्यापारिक एसोसिएशन है, जगह जगह की जो बाजार की है उन्होंने बंद का आह्वान किया है 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी टीवी इंडिया के ऊपर। और इस वक्त एमपी टीवी इंडिया के पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो देश और दुनिया के जो हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर, महामारी को लेकर, उसकी हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं, अफवाहों के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। हमने आपके लिए कंट्रोल रूम जैसे सरकार ने तैयार किया है, ऐसे ही हम हमारे यहाँ पर भी पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम रख रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड पर भी तैनात है और ऑफिस के अंदर भी इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपडेट्स आपके लिए निकाली हैं, जो अपडेट्स सरकार की ओर से जारी की गई है, तो उन्हीं अपडेट्स को हम आपके लिए बताने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहली आपको खबर बता देते हैं कि दरगाह के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया प्रशासन की ओर से, क्योंकि जायरीन लगातार आ रहे थे, मान कोई भी नहीं रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, देशवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि लोग बाजार में ना आए, अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और ये बेहद चिंता की बात है। और इसीलिए अजमेर प्रशासन ने, जब दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें अजमेर के कलेक्टर और एसपी दोनों मौजूद रहे, वहां पर बैठे, और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया, कलेक्टर को फ्री हैंड कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते एक नोडल ऑफिसर जो है वो कलेक्टर यहाँ पर है, और कलेक्टर को पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए कोई भी फैसला ले सकता है। और इसमें वहीं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज लेटर हेड है, वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अजमेर की व्यापारिक एसोसिएशन है, जगह जगह की जो बाजार की है, उन्होंने बंद का आह्वान किया है 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। लेकिन इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन क्या है, अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर है, इसके अध्यक्ष हैं मोहनलाल शर्मा। मोहनलाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा है कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बंद रखा जाए। हाँ, उनका इतना जरूर आह्वान है कि 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी पालना जरूर की जाए अजमेर के अंदर, लेकिन उन्होंने 20 तारीख से बंद का आह्वान बिल्कुल भी नहीं किया, इसको बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि अजमेर सराफा संघ है एक, ये भी एक संगठन है, यूनियन है एक, और उस यूनियन के अध्यक्ष अशोक बिंदल जी ने यह कहा है एमपीटीवी इंडिया से खास बातचीत में कि भीलवाड़ा के अंदर जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है, एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद से उन्होंने एहतियातन अजमेर के तमाम दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट किया है, ये निवेदन किया है कि वो अपने दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद रखें, जिससे कि कोरोना की लड़ाई से लड़ा जाए। और उन्होंने निवेदन किया है, उनकी ओर से जो लेटर जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 22 तारीख तक अजमेर की तमाम दुकानों को बंद किया जाए। हालांकि मोहनलाल शर्मा जो है, उन्होंने कुछ दूसरे व्यापारिक संगठन जो हैं उनसे आपसी फूट, उनकी छवि को ख़राब करने का बात भी बोली है उन्होंने, लेकिन इसको एहतियातन तौर पर आप ये ले सकते हैं कि अगर आपको अपने बाजार बंद रखने चाहिए, घर पर आपको रहना चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर की ओर से जिसके अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा हैं, वो जो लेटर वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फेंक है, इसके लिए मोहनलाल शर्मा ने हमको स्पष्ट बयान भी दे दिया है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, जो उनसे हमारे जो कैमरामैन है जो बाइट लेकर आए हैं, वो बाइट सुन लीजिए आप। कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये व्हाट्सएप पे न्यूज लगाई है और पर्चे बांट रहे हैं मेरे नाम के, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। परसों बंद है, परसों जनता कर्फ्यू है, परसों घर से ही नहीं निकलेंगे, कल कोई बंद नहीं। बताया जा रहा है कि दुकानों पे पर्चे भी बांटे हैं। हाँ हाँ, तो कह रहा हूँ ना, पर्चे बांटे हैं, ये गलत बांटे हैं, मेरे नाम के फर्जी पर्चे बांटे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्री अजमेर सराफा संघ अजमेर के अध्यक्ष अशोक बिंदल जी। और अशोक बिंदल साहब, ये अजमेर बंद का आह्वान को लेकर क्या घटनाक्रम चल रहा है अजमेर? सर, हमारा अजमेर सराफा संघ अभी बंद हो गया 5 बजे। जब से भीलवाड़ा में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जब से हमने भी हमारे अजमेर शहर की सेफ्टी देखते हुए, हमारी सेफ्टी देखते हुए, हमारे ग्राहकों की सेफ्टी देखते हुए, अजमेर सराफा संघ 22 तारीख तक बंद कर दिया गया। अच्छा अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये आपके अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर के अध्यक्ष हैं मोहनलाल शर्मा जी, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हमारी ओर से किसी प्रकार का बंद नहीं बुलाया गया है, तो ऐसे में कौन कौन से बाजार अजमेर के अंदर इस वक्त बंद रहने वाले हैं?
सर इसमें अभी नया बाजार पुरानी मंडी मजाकर तो बंद रहना ऐसी है, मेरे को संभावना जब तक नया बाजार पुरानी मंडी से तो कन्फर्म है हाँ। और आगे की मैं नहीं बता सकता आपको, और मेरे कोई जानकारी नहीं है कि हमको कोरोना वायरस के लड़ने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, प्रदेश की सेफ्टी के लिए, जिले की सेफ्टी के लिए हमने बंद किया है। अच्छा, तो आज आप बैठक में भी शामिल हुए थे क्या अजमेर एसपी और कलेक्टर के साथ? कलेक्टर साहब के साथ गए थे, बैठने कल भी बैठक हुई थी, आज भी गए थे। हाँ, तो आपने 22 तारीख तक का बंद बुलाया है? 22 तारीख तक का। और कुछ अपील करेंगे अजमेर वासियों से आप? अजमेर वासियों से यही अपील है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे टीवी टेलीविजन पर जो कोरोना वायरस के सावधानी के उपाय आ रहे हैं जी, उनका पूर्ण उपयोग करें। एक जो भी आप उपयोग काम में लेंगे वही आपका सबसे बड़ा बचाव है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना वायरस पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे वर्ल्ड से शीघ्र समाप्त हो गए। मेरी शुभकामनाएं सबको।